जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मैं आज शादी का जो एल्बम कवर रहता है उसको कैसा डिजाइन किया जाता है, किसी फोटो को बनाया जाता है, तो मैं आज वही आपको बताऊंगा। तो हमको ये लेयर ले लेनी है, इस तरह की लेनी है, और उसके बाद मैं इसकी साइज में सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ उसको। क्रॉप करने के बाद मैं थोड़ा इधर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और राइट कंसर पर क्लिक कर देता हूँ। आपको इस तरह का साइज ले लेनी है। अब इसका एक बैकग्राउंड अपन क्रिएट करना है, तो दोस्तों मैं कोई सा बैकग्राउंड नहीं लूँगा, इसी में से एक बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा। तो कैसा करूँगा वो भी देख लीजिए, आपको ड्रॉ में चले आना नीचे रोटेट करके। तो आपको दोस्तों ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो पूरा देखना दोस्तों। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर जो आपको ये इस तरह का हीरो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हीरो दिख रहा है ये वाला, इसको करने के बाद आपको ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और राइट कलर क्लिक करना है। ये दोस्तों ये साइज हमारा होगा। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब जो ऊपर से तीसरे नंबर पर क्लिक करना है आपको, करने के बाद और सर्कल वाले को ऑप्शन क्लिक कर देना है और यहाँ पर फ्लिप वाले कर देना और ओके कर देना। इतना करने के बाद आपको थोड़ा साइड करना है और आपको इस तरह से रोटेट कर देना, इस तरह से इतना करना है और थोड़ा सा ऊपर अपने हिसाब से साइज को कर लेनी है और इस साइड से थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है और साइड में क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, और ऊपर वाले को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने ब्लैक लिया था वहाँ पर वाइट का ऑप्शन ले लेना है, तो वाइट का ले लेता हूँ और राइट में साइड क्लिक कर लेता हूँ और ऊपर से तीस नंबर को जो हमने नीचे वाला करा था वही वाला कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से रोटेट करना है, इस तरह से, और यहाँ पर राइट साइड को एडजस्टमेंट कर लेनी है इसको, इस तरह से साइड में क्लिक कर दे। ये देखिए हमने बैकग्राउंड भी क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद राइट कंसन पर क्लिक कर देना है आपको। ये दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरह से क्रिएट करा एक बैकग्राउंड। तो दोस्तों ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, हम क्या करते हैं एक बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर के लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है बॉर्डर का, तो बॉर्डर में चले जाते हैं हम। तो हम कौन सा लेंगे, वाइट कलर लेंगे, एक का ऑप्शन देना है, ज़्यादा नहीं देंगे ये दोस्तों। अभी इतना क्रिएट करने के बाद आपको एक फ़ोटो में जो लिए मैंने डाउनलोड कर रखी है वो मैं ले लूँगा। तो एट फोटो में जाना है आपको, एट फोटो में जाके ले लेनी है उसको, तो मैं एट फोटो में चले आता हूँ। ये दोस्तों ये फ़ोटो मैंने लिए, अब इसको मैं किस तरह से एडजस्ट करके मैं सेट करता हूँ वो पूरा ध्यान से देखती है। ये भी यहाँ से आपको क्रिएटिविटी और दिखे, तो इसकी मैं ओपोजिट को थोड़ी कम करूँगा, ज़्यादा नहीं। और इस करने के बाद मैं भी इस तरह का ऑप्शन वाइट का ले लूँगा, इतना ले लेनी है। इतना लेने के बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इस पर क्लिक करूँगा और ये पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं साइज को थोड़ा फुल करूँगा और हार्डनेस को कम करूँगा। उसके बाद इस तरह से आपको करना है, इस तरह से, और इसके ओपेसिटी को फुल कर देनी है। वो फुल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ब्लेंड में जाना है, डार्किन पे कर देना है, डार्किन तो मल्टीप्ले कर दो। मल्टीप्ले करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाले जो ऑप्शन लिया था इस वाले को कट करना है, थोड़ा सा इस तरह से कट करना है और इस तरह को आपको चलू कर इधर इतना इतना। और इसके बाद ये जाना डुप्लीकेट कर लो इसकी, डुप्लीकेट करने के बाद फ्लिप रोटेट पे जाना और ये वाला ऑप्शन ले लेना है। इतने बात करने के बाद इसको इस तरह से कर लेनी इतना, और इधर पे जाना है, फिर इधर का जो है इधर क्लियर कर देनी है, इसका क्लियर करनी इतनी है, और फिर इधर के बाद इधर वाले को सेट करना है। हाँ, इसको इधर को पकड़ो, फिर इधर करो, फिर इधर को सर रिजर कर दो, इधर से रोटेट, इस तरह से रोटेट कर लेनी है। और उसके बाद इसकी दोनों की ओपेसिटी को थोड़ी हल्की हल्की कम करनी है, 70 तक रखनी है दोनों की ओपेसिटी। ये 70 रखता हूँ दोनों की ओपेसिटी, ये इतना हो जाने के बाद आपको राइट के साथ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है मैं वो भी बताता हूँ। अब जो हमने फ़ोटो सिलेक्ट की थी, जो हम फोटो करूँगा, तो मैं एट फोटो में जाके उसको पहले ले लेता हूँ। दोस्तों ये मैंने फ़ोटो ले ली, अब ये फ़ोटो को मैं क्या करता हूँ दोस्तों, कटआउट से कट कर लेता हूँ। मैं कटआउट में जाऊँगा, इस तरह से रोटेट करना है आपको कटआउट से, पूरे साइज पूरे कर लेने, बहुत अच्छा ये कटआउट है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, और इसको सेव क्रिएट स्टिकर में चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों एक बार में ले लिया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा रहेगा, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर भी रहेगा इतना इतना हो जाने के बाद आपको सेव कर लेना है।
सेव करने के बाद आपको इस तरह से बन चुका है दोस्तों, पूरा आपको क्रिएटिविटी के साथ बता रहा हूँ। इतना हो जाए, इस सेट को इस साइज में सेव कर देनी है इतना, और राइट के निशान पर क्लिक कर देनी है आपको इतना। और हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है, कुछ इफेक्ट देना है दोस्तों मेरे को, तो इफेक्ट में जाता हूँ मैं, इफेक्ट में और फिर HDR के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, HDR ऑप्शन को क्लिक कर देना और ये आपका होगा, और राइट के निशान पर क्लिक कर देना है, ये ऑप्शन भी आपका पूरा क्लियर हो चुका है दोस्तों। क्रिएटिविटी के साथ आपको पूरा बताया। अब इसके बाद एक मैं PNG ले लेता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखी है दोस्तों 8 फोटो, ये दोस्तों मैंने फ़ोटो ले ली है, PNG ले ली है, तो अब इसको रोटेट करके मैं थोड़ा नीचे ले आऊँगा इस तरह से, आपकी साइज को थोड़ी कम करूँगा इस तरह से, यह इतना हो जाने के बाद आपको राइट के निशान पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ये आपको मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप दोस्तों बता दिया, ये कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं ऐसे ही कब के लिए क्रिएटिविटी की वीडियो लाते रहता हूँ, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो लाया हूँ दोस्तों आपके लिए, ये आपके लिए स्पेशली वाला बनाया, क्योंकि वेडिंग शादी उनका सीजन आ गया तो उसके लिए आपको कवर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसी तरह से आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। ये कैसा लगा आज के लिए दोस्तों, इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, और फिर दोस्तों इसके बाद आपको कितना ये जाना ड्रॉ में जाके इसे सेव कर लेना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।